पता था तेरे से ये काम 10 किलो बाल्टी नहीं उठेगी, मुझे पता था 6 फीट तू ऊपर तू नहीं उछल सकता है। और अगर मैं बोलता, मैंने ये इसलिए बोला कि सवाल नहीं करना ताकि तू कोशिश कर, और तूने किया, तूने वो सब कुछ किया जो तू नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने बोला था सवाल मत करना। और गुरुजी वो छुट्टी वाली बात, 2 साल में आपने एक दिन की छुट्टी नहीं दी, खाना खाने की छुट्टी नहीं दी, घर जाने की छुट्टी नहीं दी, तबीयत बिगड़ी तो छुट्टी नहीं दी, क्यों ऐसा क्यों? कहता है मेरे भाई मेरे चेले, ये जो कामयाबी है ना कामयाबी, सोना होता है ना सोना, जब वो धरती से निकलता है वो काला होता है, जब तक उसमें सुनार की हथौड़ी और गरम गरम आग नहीं पड़ती तब तक वो कान में पहनने लायक नहीं होता। तू तो एक इंसान है यार इंसान, तुझे छुट्टी दे देता तो तू कभी स्टेज में होता। आखिरी सवाल गुरुजी, आखिरी सवाल, तुमने ये क्यों बोला कि 3 साल लगेंगे गुरुजी? मैंने सोचा था आज आया कल हो गया। कहता है बेटा तूने भी मुझसे वर्ल्ड का कराटे चैंपियन क्यों बोला था? तूने ये क्यों नहीं बोला था कि सिर्फ मेरे को सीख के जाना है? तूने भी तो मेरे से सबसे ऊपर वाली पोजीशन मांगी थी, नीचे वाली पोजीशन नहीं मांगी थी। अगर तू मुझसे नीचे वाली पोजीशन मांगता तो शायद मैं बोलता कि 1 साल 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन तूने मुझसे जो मांगा, आदमी की जिंदगी गुजर जाती है वो चीज हासिल नहीं कर पाता। लोग पूरी जिंदगी कराटे खेलते हैं, अपने स्टेट से बाहर नहीं आ पाते। मैंने तो सिर्फ तेरे से 3 साल बोला था मेरे भाई, और तू पहुंचा 2 साल में पहुंचा। कहता है गुरुजी मान गया आपको, मान गया गुरुजी आपको, आज के बाद आज इवन ये शिष्य हुआ आपका, मान गया दोस्त। इन 4 सवालों ने एक टूटे हुए हाथ के आदमी की जिंदगी बदल कर रख दी। यही सवाल है ड्यू सॉफ्ट के 4। आज प्रमोद सिंह और राहुल कुमार की सफलता का कोई रहस्य नहीं है। 1 साल काम किया, 15 लोगों की टीम बनी। दूसरे साल काम किया, प्रिविलेज बना। तीसरे साल काम किया, स्टार बना। चौथे साल काम किया, प्रीमियर बना। 4 साल में सिर्फ 500 लोगों की टीम और 3 लाख रुपए। लेकिन मैं लगा रहा, मैं सब्र रखा कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा। मैंने कभी इस बंदे पे डाउट नहीं किया कि तू बिहार का मैं एमपी का, तू भाग गया तो तेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने डाउट नहीं किया। मैंने कभी पूछना, मैंने इस बंदे से कभी सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं। खाने के पैसे नहीं थे फिर भी प्रमोद ने ड्यूस ऑफ किया। 50 रुपए नहीं था, 22 किलोमीटर दूर पैदल जाके फॉलोअप लगा के आ गया, लेकिन मैंने नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। ड्रेस कोड नहीं होता था अच्छा, कॉलेज के जूतों को ही कपड़े से पोंछ के पहन लेते थे। कपड़े नहीं थे तो क्या करते थे, कॉलेज की ड्रेस को रात में धोते थे, उसको सुखाते थे और सुबह उसी को पहन लेते थे, वही हमारा ऑफिस का ड्रेस कोड होता था। ब्लेजर नहीं था ऐसा पहनने के लिए, कॉलेज का ब्लेजर पहन के सेमिनार में जाया करते थे कि आई एम गेस्टेड, मेरे सीनियर ने बोला है ब्लेजर पहन के आना है। 100 रुपए पास की फीस नहीं थी बंदे के पास, घर वाले पैसा नहीं भेजते थे, 100 रुपए फीस नहीं थी मेरे पास। लोगों को तो घर से मिल जाता है, इस 100 रुपए के पास के लिए, ऑफिस का किराया भरने के लिए, लोगों को फॉलोअप लगाने के लिए, गाड़ी के पेट्रोल के लिए, रूम का भाड़ा बंद करके रात को जाता था कि मकान मालिक सो जाए, और सुबह उसके उठने के पहले निकल जाता था कि वो जो रूम का पैसा घर वाले भेजते ना ड्यू सॉफ्ट में लगाऊंगा तो एक दिन मेरा घर आएगा। उस दिन नहीं पता था, उस दिन कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि आज जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कहते ना आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। और वो कल आया, विश्वास किया मैंने बंदे पे, सवाल नहीं किया, सब्र रखा, मेहनत की और लगा रहा लगा रहा लगा रहा। 5वें साल 4 साल तक 10,000 की गारंटी नहीं थी प्रमोद की। 5वें साल रॉयल्टी होल्डर, 11वें महीने के अंदर वापस 25 माइल, उसके बाद 10 महीने के अंदर वापस 100 माइल, और आज पूरे पूरे
बड़ा बंदा आपके सामने। जिस बंदे को उसके कॉलेज के लोग नहीं जानते थे, 8000 लड़के थे मेरे कॉलेज में, आप पढ़ते होंगे वहां 1000-2000 है, 8000 बंदे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज और सबसे महंगे कॉलेज से पढ़ के आया है प्रमोद, TIT भोपाल, 22 कॉलेज एक कैंपस में, अभी की डेट में 16000 लड़के पढ़ते हैं, उस कॉलेज से पास आउट हूं मैकेनिकल ब्रांच से, चाहता तो 30-40-50 हजार की जॉब कर सकता था, वेल क्वालिफाइड प्रेस्टीजियस कॉलेज जिसके लिए लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं नहीं निकलता, उस कॉलेज से पढ़ के आया सिर्फ एक वजह से, एक वजह सिर्फ एक वजह, क्योंकि प्रमोद ये बात जानता है, बगुला मछली चुनता है, हंस मोती चुनता है, और ये जमाने में नौकरी चाकरी सब धोखा है, अभी भी मैं बोलता हूं ड्यू सॉफ्ट कर ले, आज भी तेरे पास एक मौका है दोस्त, आज भी मैं बोलता हूं ड्यू सॉफ्ट कर ले, तेरे पास एक मौका है, कुछ नहीं, एक चीज ने मेरे अंदर आग भरी, सिर्फ एक चीज ने, जो बंदा मुझे बोल रहा है ना ये मेरे से पहले 10000 लगाया है, लोग बोलते हैं मैंने सब कुछ समझाया, पूरे इंडिया में सेमिनार किया, लोग बोलते हैं अरे ड्यू सॉफ्ट वाले हैं सबके सब साले चोर हैं, आते हैं मोटिवेट करके चले जाते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, क्यों तू बहुत ईमानदार है क्या? मैं एक सवाल का जवाब देता हूं, अगर हम सब ऐसी बात करते हैं, मैं आज ओपन में एक चैलेंज देता हूं, मैं माइक आपको देता हूं, आप मोटिवेट कीजिए इन सबको, कर लेंगे, एक शायरी बोलने में पूछिएगा अंकल आए थे तो हाथ हिलाना बड़ा आसान है, जब यहां खड़े होके ऐसे 1000 लोग दिखते ना तो धक 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 धक, ये 180 भागता है भाई साहब, ये ड्यू सॉफ्ट है जो हर महीने का उतना टैक्स जमा कर देती है जितना एक स्टेट का सरकारी पुलिस वाला टैक्स अपनी सैलरी ले लेता है, ये ड्यू सॉफ्ट है। ये ड्यू सॉफ्ट है, 7500 लोग बिहार में काम कर रहे हैं, 7500 लोग, और दावा है प्रमोद का, राहुल का, इन 7500 लोगों ने आज तक गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म नहीं डाला, कभी हड़ताल नहीं की, कभी सरकार से भीख नहीं मांगी, मेरी नौकरी कहां है, बल्कि ये चैलेंज से बोलते हैं कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, इस पूरे बिहार को नौकरी देने वाला हूं दोस्तों। और मैं कुछ सवाल आपसे करता हूं, क्या आपके पास करोड़ों रुपए का बंगला है, यस और नो? क्या आपके पास बहुत बड़ी 2-4 करोड़ रुपए की ऑडी मर्सिडीज गाड़ी है, यस और नो? क्या तेरे पास हायाबूसा है 13 लाख रुपए की? क्या तुम्हारे बैंक में 10-15 करोड़ रुपए बैलेंस में है? क्या तू बहुत बड़े अंबानी के घर से पैदा हुआ है? जब तेरे पास कुछ नहीं है भूतनी के, तो मैं तेरे को फंसा के मोटिवेट करके क्या तेरे जैसा गरीब बनूंगा? मैं फंसने फंसाने नहीं, तेरे को फंसी फंसाई जिंदगी से, तेरी गर्लफ्रेंड की फंसाई जिंदगी से, तेरे कॉलेज की फीस की फंसाई जिंदगी से, तेरे बाइक की किस्त से, तेरे घर की किस्त से, तेरे पढ़ाई की किस्त से, और तेरे मोहल्ले के वो निगेटिव लोगों से, फंसने फंसाने नहीं, ड्यू सॉफ्ट के माध्यम से निकालने के लिए आया हूं दोस्त, निकालने का रास्ता है, तू बनने जल्दी बदलेगा मंजर, तो क्या देवघर निकलने के लिए तैयार है? ड्यू सॉफ्ट के लिए तैयार है, मैं आयाम के लिए तैयार है, 4 बात, नंबर 1 कौन सी? नो क्वेश्चन, सवाल नहीं, चाहे आपने एडमिशन लिया नहीं लिया सवाल नहीं, हर पैदा होने वाले का एक बाप होता है, क्या मैं सही हूं? हर बच्चे का एक बाप है, शेर को भी शेर ही पैदा करता है,
कुत्ते के पेट से कुत्ता जन्म लेता है, गाय के पेट से गाय लेती है, भैंस से भैंस निकलती है, हिरन से हिरन निकलता, हाथी से हाथी निकलता है, और ये कामयाब लोगों की संगत में रहने वाला कामयाब ही निकलेगा दोस्त। कामयाब क्या आप तैयार हैं? या फिर तैयार है वो मार्केट के चौराहे में, मैं तो बहुत बड़ा वाला, या वो टोंट मारने वाले भाई साहब, खुश नसीब है हम, प्राउड होता होगा आज इन माँ बाप को, कम से कम ड्यूसॉफ के लड़के ऐसे तो हैं जिस टाइम में लोग मार्केट में घूमते हैं सर, उस टाइम में हम लोगों को प्लान दिखाकर एक सही दिशा में लेकर जाते हैं। जितनी बात मैंने माँ बाप पे की, उनके पैसों पे की, इतनी बात तो माँ बाप ने आज तक अपने बेटे को भी नहीं समझाई होगी। क्या मैं सही बोल रहा? जो काम माँ बाप को करना चाहिए था, छाती चौड़ी कर लेना मेरे दोस्त, वो काम बाप बनकर ड्यूसॉफ्ट वाला कर रहा है। नो क्वेश्चन। दूसरा क्या था? नो डाउट, क्योंकि डाउट मतलब आउट। नो डाउट, लोग चार दिन आए, सर मेरा 10,000, मैं सर ब्याज में लिया हूँ, मैं सर उधारी लिया हूँ, पापा से लिया हूँ, चार दिन बाद सर मेरा 10,000 तो आ जाएगा ना। अरे तेरे को जब 10,000 रुपए डाल के 10,000 कमाना तो यहाँ क्यों आया? क्यों आया यहाँ? अगर तेरे को 10,000 रुपए डाल के 10,000 निकालना है तो मत देना। ओपन बोलता है प्रमोद, मत देना, रख ले अपना पैसा और दबा के रख, जमीन में गड़ा दे, लॉकर में छुपा दे, मम्मी के आंचल से बांध दे, बहुत बड़े बैंक के लॉकर में रख दे। 10 का 20 नहीं होने वाला, 10 का 11 नहीं होगा, बल्कि सिगरेट फूंक के और गली में खा पी के तो उड़ा देगा उसको। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए बंटी नंदन सिंह की टीम में आया ना, राजेश रॉय की टीम में आया, मोहन की टीम में आया, मनोरंजन की टीम में आया, प्रतीक की टीम में आया, नंदिनी की टीम में आया, या यहाँ के ये सामने वालों की टीम में आया, तो प्रमोद एक बात की गारंटी देता है कि अगर इंसान इंसान पैदा करता है तो ये ब्लेजर में जो बैठे हुए लोग है ना, ये ब्लेजर वाले ही पैदा करेंगे, भिखारी पैदा नहीं करेंगे। तो क्या आप सामने वालों की संगत करने के लिए तैयार हैं? उसूल नंबर 3 क्या था? सब्र रखना। ये धनिया का पौधा नहीं है, आज डाला 21 दिन बाद वाओ निकल गया। वाओ, कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, आज बीज डाला, रात में पानी डाला, दूसरे दिन अरे मिट्टी हटाया, कुछ निकला ही नहीं, साला बीज ही तो खराब नहीं था। 2 दिन पानी डाला, तीसरे दिन फिर मिट्टी हटा के निकला ही नहीं। जब एक धनिया के पौधे को 21 दिन लगता है जमीन से बाहर निकलने के लिए, तो ये बरगद का पेड़ है दोस्त, बरगद का 3 साल बिना सोचे समझे सब्र करना पड़ेगा। नंबर 4 क्या था? नंबर 4 सोच लो, छुट्टी। अरे भाई अभी तक छुट्टी लेके कौन सा तूने बिल क्लिंटन बन गया? छुट्टी लेके तू अदानी अंबानी बन गया कि छुट्टी लेके कुछ लोग मैं बॉडी बना के सलमान खान हो बिड़ू, मैं सलमान खान बन गया। अरे अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल लेने से कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता, बॉडी बना लेने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता, ब्लेजर पहन लेने से कोई बंटी नंदन सिंह नहीं बन जाता। ये ड्यू सॉफ्ट है, 3 साल, नो इफ नो बट, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई दशहरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिसकी बात एक उसका बाप एक, सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट है। सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट, मैं गारंटी देता हूं 3 साल
फिलहाल ड्यू सॉफ्ट के हिसाब से जिंदगी जीजिए, काम कीजिए इतना जैसा आपके मोहल्ले पड़ोस ने किया ना हो, और इसके बाद जिंदगी जिएंगे अपन लोग ऐसी जैसे किसी ने जी ना हो दोस्त जैसे। मैं जानता हूं देवघर वालों को, इनकी खिसक गई तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अकेला बंटी नंदन सिंह मिला था हमको, अकेला बंदा बिहार का, सिंगल हैंडेड एक बंदा फुटबॉल प्लेयर था, चाहता तो कोच बन सकता था, अभी भी तुम्हारे स्कूल ने उसको 15,000 रुपए का ऑफर दिया। हंसते हंसते बोलता है कल रिज्यूम डाल देंगे। जब उसका टीचर उसको छोड़ने आता है ना, तो देखता 8 लाख रुपए की कार खड़ी है, तो पता है टीचर क्या बोलता है प्रिंसिपल, बेटा हम तो 15,000 रुपए ऑफर कर रहे थे, तू तो 8 लाख की गाड़ी से घूम रहा, तू ही हमको बता दे कि हम तेरे लायक कुछ कर सकते हैं क्या। तीन साल एक बंदर के सामने अगर 2,000 का नोट रहेगा और केला रहेगा तो केला उठा के भागेगा, लेकिन इंसान के सामने अगर 2,000 का नोट और केला रहेगा तो इंसान नोट उठा के भागेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक्सपेरिमेंट करके देखे क्या, लड़के आगे रहेंगे उसके। क्यों? क्योंकि इंसान को पता है 2,000 रुपए में एक ठेला भर के केला आ जाएगा, लेकिन बंदर को यह नहीं पता कि 2,000 रुपए क्या है, इसलिए केला उठाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब लोगों को पता चलता है नौकरी और ड्यू सॉफ्ट, तो नौकरी हायर है मेरी नौकरी, हायर है मेरी नौकरी, जैसे भूखा कुत्ता हड्डी के ऊपर लिपट जाता है वैसे आदमी नौकरी के ऊपर लिपट जाता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि बंटी अगर नौकरी करता तो 30-40 हजार कमाता, शायद पापा इसके पुलिस थाने में डाल देते, खुद दरोगा है तो एसआई बन जाता, शायद भाई एसबीआई में तो बैंक में लग जाता, लेकिन कमाता 40। लेकिन सर को ये बात पता थी ड्यू सॉफ्ट करूंगा 2,500 की टीम बनेगी और महीने का ऐसे ही देवघर में टन 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 घूमेगा और 1.5 लाख रुपए कमाकर आपके सामने। अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। 3 साल का सब्र है उस बंदे का, हम पूरे बिहार में किसी को नहीं जानते थे, एक आदमी मिला। एक सेब में कितने बीज हैं आप गिन सकते हैं, 4 या 6, लेकिन एक बीज में कितना सेब है लेकिन ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे 400-600 बैठे हैं ये आप गिन सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा आदमी बंटी नंदन सिंह बनके अगले 2,500 लोगों का काफिला खड़ा कर देगा, ये आप नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते आपके पास। कौन कौन तैयार है बंटी नंदन सिंह बनने के लिए, पूरे बिहार पर राज करने के लिए? राहुल कुमार बनने के लिए कौन तैयार है? मनोरंजन बनने के लिए कौन तैयार है? प्रियंका बनने के लिए कितनी लड़कियां तैयार? राजनंदिनी बनने के लिए कितनी तैयार? उनको ही डाउट होगा कि मेरे जैसी हो। इंस्टा में ज्यादा फेमस है ना दोनों, फेसबुक पे। 3 साल टाटा बाय बाय, यू घूर घूर के मत देख, नजर लग जाएगी। मैं आज भी बोल रहा हूं ड्यू सॉफ्ट कर ले, जिंदगी संवर जाएगी। तो क्या झारखंड तैयार है? जामताड़ा तैयार है? और कौन कौन सी टीम आई है यहां पे? झाझा, झाझा वाले तैयार हैं? अच्छा, सुशील की टीम तैयार है? बंटी नंदन सिंह की टीम तैयार है? प्रियंका वाली टीम खड़े होकर तैयार है? प्रतीक वाली टीम तैयार है? क्या पूरा झारखंड खड़े होकर तैयार है? मैं एक ही चीज बोलूंगा, आग लगा लेना अपने सीने में जब तक 6 लाख ना आए महीने में। और मैं जानता हूं बादल में छुपा है पानी और पत्थर में छुपी है आग। देवघर झाझा वालों, तुम्हारी सफलता कुछ में छुपी है, जाग सके तो 5 अगस्त के दिन ही जाग। क्या तैयार है अपलाइन को सुनने के लिए, फॉलो करने के लिए? दोस्त, बैंक वाला गारंटी नहीं देगा 10,000 का, बैंक वाला गारंटी नहीं देगा। एसबीआई भी घोषित हो गया दिवालिया और पीएनबी भी चल रहा है घाटे में। सर सही बोल रहा हूं ना? कोई ऐसा बैंक नहीं है जो फायदे में चल रहा है। और सरकार का नियम है, नहीं पता बता दे रहा हूं,
जिस दिन बैंक घाटे में गया तो बैंक के शेयर के हिसाब से अगर आपका 1,00,000 भी जमा है तो 1,000 मिलेगा, 1,00,000 नहीं मिलेगा। गारंटी तो वहां भी नहीं है, ना बैंक में ना शेयर मार्केट में, वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रमोद सिंह 5 अगस्त के दिन पूरे बॉयज एंड गर्ल्स को यहाँ पे बैठे हुए टॉप सीनियर की स्टैंप के साथ गारंटी देता हूँ, आओ 3 साल यहाँ लगाओ जैसी लाइफ ये सपने में जी रहे हैं। मैं बोलता हूँ योर इमेजिनेशन इज अवर लाइफ स्टाइल, जो आप सपना देखते हैं वो हम जीते हैं। आदमी सपना देखता है प्लेन में उड़ू, अभी वहीं से तो आए, अभी उसी से आए। आदमी सपना देखता है मैं राजधानी में जाऊंगा, उसी से तो आए। मैं 7-स्टार होटल में रुकूंगा, नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोला जिसका पिच्छू में दर्द होता है। ना ना कुछ है, उनका राजगद्दी छूटी नहीं रहा। सर बाबा भोलेनाथ के बाद मेरा ही आसन तथा मेरा आसन, लड़कियों का आसन ज्यादा स्ट्रांग। अगर 4 मिनट के लिए जो आदमी कष्ट नहीं झेल सकता वो आदमी 3 साल का खाक भी सब करेगा यार। मैं तो बोलते ही नहीं, जो बैठ गया वो अपनी नजर में 10 में भी बुढ़ा, 10 साल में भी बुढ़ा। कहते हैं 10 साल का अनपढ़, 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, जो लोग कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम का, जितने 30 साल वाले सुन लो, 30 साल का बिना काम, 40 साल का कुवारा जिसकी 40 साल तक शादी नहीं हुई, 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम, 40 साल का कुवारा, 50 साल का बिन संतान और 60 साल का बिन मकान, इसकी जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होगा। सही सही बोल रहा मैं, एक बार अंकल के लिए तालियां हो जाए। कहते हैं विश्वास की जरूरत नहीं होती, सत्य को विश्वास की जरूरत नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं दोस्त, गीता में श्री कृष्ण ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सत्य को विश्वास की जरूरत नहीं है और गीता में श्री कृष्ण ने हस्ताक्षर नहीं किए तो 200 वालों को भी किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 100 के नोट में कागज के टुकड़े में गवर्नर के साइन होने से वो नोट बन जाता है और लोगों की जिंदगी में अपलाइन का साइन होने से वो पोस्टर बॉय बन जाता है। क्या तैयार है? झारखंड तैयार? बॉयज एंड गर्ल्स तैयार? मेरे को पता है सारे के सारे सर, फिर एक बिहारी 100 पे भारी। जब अकेले ने सबको हाहाकार मचा डाला, उस अकेले ने सबकी लगा दी वाट, तो इतने सारे खड़े, ये बना देंगे सबका चार्ट।